साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च है 2022 और मैं आया हूं आज बारामूला इलाके में। बारामूला में इस वक्त खड़ा हूं मैं कानिसपुरा इलाके में शालीमार कॉलोनी। जो ये डॉक्यूमेंट्स का गठरा आप देख रहे हैं, ये जी इंफॉर्मेशन लाई है हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RMA डिवीजन बारामूला से तकरीबन 2 साल पहले। इंफॉर्मेशन मांगी गई थी क्योंकि इस रोड में काम सही नहीं हुआ। आप देख रहे हैं रोड क्या है, अब देखिए रोड क्या है, ड्रेन देखिए कहाँ है, ड्रेन कुछ है ही नहीं। और कागजात में दिखाया गया है कि रोड भी बन गया है, रोड में ब्लैक टॉपिंग हुई है, ड्रेन बनाई गई है, पता नहीं क्या क्या मेटलिंग, सोलिंग, ब्लैक टॉपिंग, ड्रेनेज वगैरह सब दिखाया है। ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है। टेंडर निकली थी इसकी 2018 में। अलॉटमेंट ऑर्डर मेरे पास है, देखिए थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं। 95 लाख रुपीज। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था 1,20,00,000 रुपए। 95 लाख रुपए अलॉटेड कॉस्ट, इसको 60 डेज में करना था। ये लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में था, फिक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपग्रेडेशन ऑफ इनर लिंक्स एट कानिसपुरा बारामूला बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट ड्रेन G1 G2 वेट मिक्स 50 mm थिक मैकडम एंड 25 mm थिक SDBC। जब आर्टिकल 370 टूटा उस टाइम यहां पे काम चल रहा था, उसका फायदा उठा के यहां पे काम ही नहीं किया गया, काम छोड़ा गया इसे। और जो है अब हालात देख रहे हैं क्या है, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन देखिए क्या है। ना कहीं ड्रेन बनी है, ना कहीं ब्लैक टॉपिंग दिखता है, 50 mm ठीक क्या है, कहां है वो, कहां है सब कुछ। करप्शन इतना ज्यादा हुआ, कंप्लेंट की गई फाइल DC ऑफिस बारामूला में। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर जो एडिशनल DC होते उनको बोला इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सब बैठ गए इस पे। मैं इस वीडियो के जरिए से जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है बारामूला के, गुजारिश करूंगा उनसे, बहुत ही काबिल ऑफिसर है, मैं गुजारिश करूंगा जो DC साहब हैं, मैं बोलूंगा उनको कि भाई आप जो है कानिसपुरा आइए, आप शालीमार कॉलोनी में आइए DC साहब प्लीज, आप देखिए ऑन स्पॉट क्या है। उसके अलावा जो यहाँ की DDC चेयरपर्सन है सफीना जी, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इसका नोटिस लें, उनको भी यहां आना चाहिए। और उन जो ऑफिसर्स हैं RMA डिवीजन बारामूला के, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये इतना गलीज काम यहां पे किया है। आवाम को लूटा है, आवाम को चूना लगा है, सरकारी खजाने को लूटा है और ऑन द ग्राउंड कुछ काम ही नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार जो है इस इशू का संजीदा नोटिस लें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।